है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल को एक्चुअली में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, उसका मतलब क्या है कि उसका क्या करना है अपने को, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अगर अपने पास ए प्लस आइटा बी है इन जनरल, तो इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, तो वो क्या जाएगा, 1 बाय ए प्लस आइटा बी। लेकिन हम इमेजिनरी पार्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, ए प्लस आइटा बी, न्यूमरेटर में लाना आइटा को, आइटा डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो जो चीज नीचे है उसको ऊपर शिफ्ट करने के लिए इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 5 प्लस 2 आइटा क्या जाएगा, 1 बाय 5 प्लस 2 आइटा, राइट। अब इसको एक्चुअल ए प्लस आइटा भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 5 माइनस 2 आइटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 आइटा। तो ये ऊपर तो बन जाएगा 5 माइनस 2 आइटा इंटू 1, 5 माइनस 2 आइटा, और नीचे बन जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, -2 आइटा का होल स्क्वायर, a² - b² तो क्या बन जाएगा, ये 5 माइनस 2 आइटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25, -2 का स्क्वायर 4, एंड आइटा का स्क्वायर -1, और ये माइनस और माइनस क्या मिल जाएगा, प्लस। तो क्या बन जाएगा, 5 माइनस 2 आइटा बाय 29, नाउ दैट इज 5 बाय 29 -2 बाय 29 साथ में आएगा। क्लियर हुआ, श्योर? देख लो, सिंपल इनफ, डिवीजन ही तो है और क्या, राइट। जो डिनोमिनेटर में होता था उसको सिंप्लीफाई करते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था। हाँ जी, और अब क्लियर है? ठीक यस सर। है, ठीक है। तो ये था हमारा बिल्कुल बेसिक अलजेब्रा, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एंड देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। अब इसके बाद चलो एक काम करते हैं, आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो तुम्हें करना है। ठीक है, तो इस पूरी चीज को सिंप्लीफाई करके ए प्लस आइटा बी में कन्वर्ट करना है, करो, शाबाश। हुआ मैडम जी, ये तो कट गया, एंटर स्क्वायर क्या होता है आजकल, आटा होता है, ओ क्या होता है, अच्छा ऊपर से, बहुत गलती पकड़ो। देखो, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहली बात तो ब्रैकेट लगाओ। अब 3 × 3 9, 3 × -4 आइटा -12 आइटा, 4 आइटा × 3 + 12 आइटा, 4 आइटा × -4 आइटा, 4 आइटा × -4 आइटा, एक तो माइनस आएगा, एक 4 × 4 = 16 आएगा, और एक आइटा स्क्वायर आएगा, आपने प्लस लिखा माइनस। अब आइटा स्क्वायर क्या होता है, तो -× -, तो +16 आना है, और कुछ नहीं, तो ये +16, तो दैट इज 6 माइनस, आई होप दिस इज करेक्ट, 6 अच्छा इसको इसके साथ करो, क्या आ गया, 1 × 3 3, 1 × 4 -4 आइटम -4, गलती कर रहे हो, है ना, हाँ मत करो, फर्स्ट का नहीं, क्या है भाई, 2 + 9 = 25, दिक्कत आ रही है ना, कोई बात नहीं, मैं हैंडल करता हूं,
मैं सोल्व कर रहा हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ, मगर ये इधर ये इधर, पहले स्टेप बाय स्टेप लिखो, कोई स्टेप खाना नहीं है। तो 3 + 4 आइटा इंटू इधर 1 + आइटा इंटू 3 - 4 आइटा प्लस बीच में आदर इज 1 + 2 आइटा इंटू 3 + 4 आइटा। ठीक है अब करो, 1 को करो, नहीं 4 आइटा के लिए आ रहा, मैं 1 को दोनों के साथ कर रहा हूँ। अगला फिर आइटा को करो 3 के साथ, तो और आइटा को इसके साथ तो -4, ये पहला वाला आएगा। दूसरा वाला अब सिमिलरली जल्दी करो, मैं अभी चेक करता हूँ। देखो एक आपने पहले सिंप्लीफाई किया, फिर को ये बताओ यहां से यहां तक कैसे पहुंचे। हाँ करो करो, एक 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 करके दिखाओ मेरे को क्या आया। 1 × 3 = 3, फिर 1 × 4 ओ -4 आइटा, करो सही। अगला फिर 1 नहीं मैडम जी, आइटा है 3, हाँ 3 आइटा, ये सही है। अब सही करो करो करो, यहीं पे कर दो, ये -1 हो गया काहे, इरेजर है इसमें। देखो इधर क्या आएगा, ये 1 × -4 आइटा था। हाँ अब करो, हाँ इसलिए मैंने किया है वो चीज, करो ये तो और तो कुछ आई पता नहीं, कुछ ही आ रहा है। मैं अभी कर रहा हूँ प्रभ, 1 आइटा को आइटा लिखते हैं, क्या आ गया +1 - 5 = 25। 1 कैसे, ये अच्छा सॉरी, लिखो 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 लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, डरना नहीं। अब 1 आइटा को मैडम जी आइटा लिखो, हाँ ये आ गया। अब अगला वाला, दूसरा वाला कहाँ है लिखा जरा, ठीक है ये सही है। नहीं थोड़ी गलती है, एट एस कर क्या होता है तो -8, तो 3 - 8 - 5 करो करो करो, एक सेकंड पहले इसका करने दे, ये अब इन दोनों को ऐड करो जरा। कहाँ है यार हमारा, ये आया था ना 7 - 8 / 25 एंड हाँ करो 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 करो, शाबाश। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एलसीएम तो सेम ही है, दोनों का डिनोमिनेटर तो अभी सेम ही है। डन, ये था, गलतियां देखो काफी हो गई भाई साहब, पता चला क्या करना है। अब सही है ना, अब हो गया ठीक, ये वाले में एक सेकंड, -5 + 10 आइटा बाय 25 सही है, दूसरा कहाँ है 7 - आइटा सही है, तो दोनों को ऐड करना है। हाँ तो ये क्या होगा, नहीं नहीं अरे वो ठीक है हाँ, लेकिन रियल को रियल के साथ करना, 7 - 5 करेगा, 7 को आइटा के साथ नहीं करेगा, 7 - 5 क्यों समझा नहीं मैं, क्यों बीच में एडिशन का साइन आ जाना, तो साइन तो नहीं चेंज करना। नहीं नहीं किस केस में साइन चेंज, मैं समझा नहीं, ब्रैकेट है ना इसके बीच में प्लस ले तो इसके साइन ना 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 माइनस होता तो साइन चेंज होता ना, प्लस में तो ऐसे रहता है, तो क्या आ गया 2 एंड 10 - 9 - 2 + 9 - 25 डन।
अगला, शाबाश जल्दी। मैं एक बार कर रहा हूं, ध्यान से देख लो, ठीक है? फर्स्ट वाला मैं कर रहा हूं, ध्यान से देख लो। देखो, तो अगर मैं डायरेक्ट एलसीएम लेता हूं तो ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, एंड नीचे दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 3 + 4 i into 3 - 4 i, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 1 + i into 3 - 4 i + 1 + 2 i into 3 + 4 i। नाउ दिस इज 1 into 3 3, 1 into -4 i - 4 i, i into 3 3 i, i into -4 i, तो -4 i² प्लस 1 into 3 3, 1 into 4 i, 4 i, 2 i into 3 6 i, this 4 to the 8 आइटा स्क्वायर -1। तो ये आइटा स्क्वायर लिखो, चलो डिवाइडेड बाय 3। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे ना ये काफी बच्चों ने किया है, किन दोनों को प्रॉपर मल्टीप्लाई किया, बट ये देखो इसको मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकता हूँ ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूँ मैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आइटा का होल स्क्वायर। अब देखो आइटा स्क्वायर माइनस 1, तो आइटा स्क्वायर हटके ये प्लस हो गया, इधर आइटा स्क्वायर हटके माइनस 1, तो इधर आ जाएगा माइनस। अब देखो 3 - 3 + 4 7, -4 i + 3 i -i प्लस 3 - 8 -5 राइट, एंड दिस इज 10 i डिवाइडेड बाय आइटा का स्क्वायर माइनस 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 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 + 16 25, तो क्या बन गया 7 - 5 2, 10 i माइनस आइटा 9 i डिवाइडेड बाय 25, तो दिस इज आंसर। क्लियर हुआ? श्योर? देख लो अब अगला, जल्दी पहले इधर a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना, जल्दी शाबाश। अरे नहीं, वो बेसिकली इसको a प्लस आइटा b वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना था, इसका यही मतलब था। माइनस 3 है ना, तो वो बेसिकली ये हो जाएगा ना, ठीक है ना? अच्छा a प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब, 3ab into a + b, ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है? और अगर माइनस हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab into a - b, जहां जहां पे b आ रहा है वहां वहां पे माइनस लगा दो, ठीक है? करो जरा ये सेकंड एंड थर्ड जल्दी। सेकंड हुआ, हाँ जी, तो पहले 2 + i² दैट इज 2³ + i³ + 3 into 3ab 3 into 2 into i into 2 + i, गलत हो गया, क्यों क्या हुआ? मैंने स्क्वायर लिख दिए। ओके ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा 2³ 8 i³ - i, 3² 6 i, तो 6 i into 2 12 i, 6 i into i, तो दैट इज 6 i² डिवाइडेड बाय 2 + 3 i, तो -6 8 - 6 2, ये आ जाएगा 11 i बाय 2 + 3 i इंटू 2 - 3 i बाय 2 - 3 i, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा 2² 4 -3 i² - 9, ठीक है ना? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, आइटा का स्क्वायर माइनस 9, तो बेसिकली ये हो जाएगा प्लस, राइट? ऊपर 2 to the 4 -6 i, 11 i into 2 22 i, एंड 11 i into -3 i, तो -33 i² तो आइटा स्क्वायर माइनस 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 हो गया प्लस
37, ये बन गया आपका 16 आइटा बाय 13, तो ये आंसर जा रहा है। क्लियर हुआ? पक्का? हाँ जी क्रेश, मैं वो करवा रहा हूँ, थर्ड भी करवा रहा हूँ, चल थर्ड करें प्रभ। यस सर। चलो अब थर्ड देखो जरा, ये हटा रहा हूं। देखो तो पहले a प्लस बी का क्यूब नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, 1/1 का क्यूब प्लस 2 आइटा का क्यूब प्लस 3 × 1 × 2 आइटा इंटू 1 + 2 आइटा, तो दैट वुड बी 1 का क्यूब दैट इज 1, 2 का क्यूब 8, आइटा का क्यूब माइनस आइटा तो माइनस आइटा, 6 आइटा इंटू 1 6 आइटा, 6 आइटा इंटू 2 आइटा 12 आइटा स्क्वायर, तो दैट वुड बी माइनस 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/1 − 12 − 11 एंड माइनस 8 आइटा प्लस 6 आइटा माइनस 2 आइटा, ठीक है ना, यहां तक ठीक है। हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसका उल्टा, दैट इज माइनस 11 प्लस 2 आइटा डिवाइडेड बाय माइनस 11 प्लस 2 आइटा, ठीक है।